हेलो फ्रेंड्स, और आज हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। प्लांट वाटर रिलेशन। द ऑस्मोटिक एक्सपेंशन ऑफ सेल किप्ड इन वाटर चीफली रेगुलेटेड बाय वैक्यूल्स। वैक्यूल्स के द्वारा अगर ऑस्मोटिक एक्सपेंशन रेगुलेट किया जाता है। इन प्लांट्स इन डिवीजन प्रेशर डिफिसिट इज जीरो। व्हेन प्लांट सेल में डिवीजन प्रेशर डिफिसिट कब जीरो होगा? जब सेल टर्जिट होगा। चूज द रॉन्गेस्ट स्टेटमेंट। सेल विल स्वेल इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड श्रिंक इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। जबकि यहाँ पे सेल जो है स्वेल करेगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में और श्रिंक करेगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। तो ऑप्शन ए जो है रॉन्ग है। विच आर द फ्लोइंग इट Which of the following expenditure of energy is required? एनर्जी का रिक्वायरमेंट, एटीपी की रिक्वायरमेंट हमें सिर्फ एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है। When water moves out of the plant cell and cell membrane of plant shrink away from the cell, then condition called प्लांट सेल श्रिंक कब करेगा? प्लाज्मोलाइट कंडीशन में, प्लाज्मोलाइसिस में। स्पेशल टाइप ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय सॉलिड इज कॉल्ड। वाटर जब सॉलिड के द्वारा एब्जॉर्ब होगा तो उस केस को इम्बिबिशन कहेंगे। प्लेसिड सेल मीन्स प्लाज्मोलाइट सेल। ऑप्शन बी। विच आर नॉट प्रॉपर्टी ऑफ प्लेसिड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट अपील ट्रांसपोर्ट नहीं होगा और एटीपी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो यहाँ पे थ्री और फोर, ऑप्शन बी करेक्ट है। सेल ए है जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल -18 एंड सेल बी के पास और ऑस्मोटिक पोटेंशियल इसका -18 और प्रेशर पोटेंशियल 8 है। और सेल बी के पास ऑस्मोटिक पोटेंशियल -14 है और प्रेशर पोटेंशियल 2 है। तो वाटर का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगा? वाटर का डायरेक्शन ए टू बी होगा, क्योंकि डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट मतलब ऑस्मोटिक पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल सेल ए का सेल बी से ज्यादा होगा। ऑप्शन बी करेक्ट। ए सेल ए एंड सेल बी एडजेसेंट प्लांट सेल। इन सेल ए ऑस्मोटिक पोटेंशियल 20 बार, प्रेशर पोटेंशियल 8 बार। सेल बी के पास ऑस्मोटिक सॉलिड पोटेंशियल 12 बार और सॉलिड पोटेंशियल 2 बार। सेल बी का हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल होगा -2 बार, -12 बार, +2 बार इक्वल टू -10 बार। और सेल ए का लोअर वाटर पोटेंशियल होगा -20 बार, +8 बार इक्वल टू -12 बार। तो वाटर मूव करेगा सेल बी टू सेल ए। द प्रॉपर्टी ऑफ सेमी परमेबिलिटी बिलोंग टू। सेमी परमेबिलिटी का प्रॉपर्टी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बिलोंग करेगा। व्हेन सेल फुल्ली टच इट विच ऑफ द फ्लोइंग इज जीरो। जब सेल फुल्ली टर्जिट होगा तो यहाँ पे वाटर पोटेंशियल जीरो होगा। आरबीसी एंड प्लांट सेल विथ थिक सेल वॉल प्लेस्ड इन डिस्टिल्ड वाटर। आरबीसी और प्लांट सेल को डिस्टिल्ड वाटर में डाला जाएगा। सॉल्यूट कंसेंट्रेशन सेम इन बोथ सेल। जबकि दोनों सेल में सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन सेम था तो आरबीसी का साइज इंक्रीज करेगा और बस्ट करेगा, जबकि प्लांट सेल सेम साइज करेगा, रिमेन कॉन्स्टेंट। रूट प्रेशर इज ड्यू टू ऑस्मोसिस। रूट प्रेशर ड्यू टू ऑस्मोसिस। रूट रूट प्रेशर ऑस्मोसिस की वजह से होगा। प्लांट सेल बिकम टर्जिड ड्यू टू इंडोस्मोसिस। प्लांट सेल इंडोस्मोसिस की वजह से टर्जिड होगा। ग्राहम लॉ कोरिलेटेड विथ। ग्राहम्स लॉ किसके लिए होगा? ग्राहम्स लॉ कोरिलेटेड विथ डिफ्यूजन। व्हेन सेल प्लाज्मोलाइट इट बिकम फ्लेसेंट एंड टर्गर प्रेशर बिकम जीरो। सेल जब प्लाज्मोलाइट होगा तो फ्लेसिड हो जाएगा और टर्गर प्रेशर वहां पे जीरो होगा। असेंट ऑफ सैप। लेयर ऑफ सेल इम्पर्वियस टू वाटर बिकॉज बैंड ऑफ सुवेरिन मैट्रिक्स यहाँ पे डिपोजिट होगा, जिसे कैस्पेरियन स्ट्रिप कहेंगे। वन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर राइज अप टू 100 मीटर ऑफ टॉल ट्री प्लांटेज। तो ट्रांसपिरेशनल पूल के वजह से 100 मीटर टॉल ट्री में वाटर पहुँचता है।
इन विच ऑफ द फ्लोइंग मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू प्लांट्स? कोहेसन थ्योरी, कोहेसन थ्योरी। द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अपवर्ड कंडीशन ऑफ कंडक्शन ऑफ वाटर अगेंस्ट ग्रेविटी कम्स फ्रॉम ट्रांसपीरेशन से आता है। इन टॉल प्लांट्स बिकॉज ऑफ विच फैक्टर कंटिन्यूस वाटर कोलुमेन एक्सटेंड्स अपवर्ड? सेक्शन फोर की वजह से। अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू पोलर सरफेस इज नोन एज एडहेशन फोर्स। अब ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन गटेशन अकर्स थ्रू हाइड्राथ्रोट, हाइड्राथ्रोट के द्वारा गटेशन होगा। ट्रांसपीरेशन मेजर्स बाय पोटोमीटर, ट्रांसपीटर ट्रांसपीरेशन पोटोमीटर के द्वारा मेजर किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी गिव्स लेटेस्ट एक्सपेंशन ऑफ क्लोजर ऑफ एस्टोमेटा? एक्टिव पोटेंशियल ट्रांसपोर्ट थ्योरी। गार्ड सेल हेल्प इन ट्रांसपीरेशन, गार्ड सेल ट्रांसपीरेशन में हेल्प करता है। द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन इन प्लांट्स डिपेंडेंट अपॉन, प्लांट में ट्रांसपीरेशन का रेट लाइट टेम्परेचर एटमोस्फेरिक ह्यूमिडिटी एंड विंड पे डिपेंड करेगा। फोर्स, फोर्स जनरेटेड बाय ट्रांसपीरेशन कैन क्रिएटेड बाय प्रेशर सफिशियंट टू लिफ्ट वाटर अप टू हाइट ऑफ 130 मीटर ट्री। इनलैंड प्लांट गार्ड सेल डिफर फ्रॉम एपिडर्मल सेल हैविंग, गार्ड सेल के पास क्लोरोप्लास्ट होता है जो कि एपिडर्मल सेल में अब्सेंट होता है। ट्रांसपीरेशन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ रूट प्रेशर। द आयन हेल्प इन ओपनिंग एंड क्लोजर ऑफ एस्टोमेटा, पोटेशियम आयन हेल्प इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ एस्टोमेटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर रेगुलेट्स ट्रांसपीरेशन, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो ट्रांसपीरेशन को रेगुलेट करता है। व्हेन कंडीशन इज ड्राई ग्रास लीफ कर्ल इनवर्ड्स मिनिमाइज वाटर लॉस, द प्रोसेस कॉल्ड द प्रेजेंस ऑफ ब्यूलिफॉर्म सेल के प्रेजेंस में। एस्टोमेटा ओपनिंग इज अफेक्टेड बाय, एस्टोमेटा का ओपनिंग किस चीज पे डिपेंड करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन टेम्परेचर और लाइट पर डिपेंड करेगा। विच ऑफ द फ्लोइंग गेट एक्यूमुलेटेड इन इन वैक्यूल्स गार्ड सेल ड्यूरिंग एस्टोमेटा ओपनिंग? मैलेट पोटेशियम और क्लोराइड एंड एक्यूमुलेट होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग नॉट एंटी एस्पेरेंट, इसमें सभी पीमीए बीएपी और लो विस्कोसिटी सिलिकॉन आयन सभी एंटी एस्पेरेंट है, तो इसका ऑप्शन होगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट रिलेटेड टू गटेशन, गटेशन इज यूनिवर्सल ऑकरेंस, गटेशन यूनिवर्सल नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी रॉन्ग है। ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, ट्रांसलोकेशन ऑफ फोटोसिंथेटिक एंड प्रोडक्ट इन सीव ट्यूब्स इज 60 to 100 cm पर आवर by which means salt resistance plant can read can get rid of excess sodium ion and outer side through roots, sodium or hydrogen in antipod system. Direction of translocation of organic food or solute is organic food ka transportation sabhi direction hoga, iska answer hoga all of these upward radial or downward tino. To friends is video lecture mein hum logon ne ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस किया और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग मिनरल न्यूट्रिशन को डिस्कस करेंगे। तो हमारे अगले वीडियोज को देखने के लिए एनसीईआरटी जोन से जुड़े रहे हैं और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो जीना आपको मिल सके और इसे अपने दोस्तों से शेयर कर लें ताकि उन्हें भी इससे हेल्प मिल सके। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।